हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे सामने बैठी है तरंग। तरंग बहुत मेहनती और इंटेलिजेंट लड़की है और इसने बहुत ही अच्छा मार्क्स 10th में प्राप्त किया है। इनको तो सबसे पहले हम अरविंद सिंह एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। सो तरंग, आप ये बताओ सबसे पहले कि आप कब से अरविंद सिंह एकेडमी के स्टूडेंट रही हो और किस स्कूल में पढ़ती हो? पहले ये बताओ कौन से स्कूल में पढ़ती हो और यहाँ कब से पढ़ रही हो और क्या आपके मार्क्स आए 10th क्लास में? तीन सवाल। मैं सेंट एंजल स्कूल में पढ़ती हूँ, सेक्टर 15 रोहिणी। मैं अरविंद सिंह अकेडमी में एक साल से पढ़ रही हूँ। वो बहुत अच्छी अकेडमी है, पे एक एक कंसेप्ट समझाया जाता है। मतलब अगर आपको कोई डाउट है तब भी आपको सेशन किया जाता है। अच्छा, कितने मार्क्स आए आपके क्लास 10th में? 94.2%। मैथ्स में कितने आए? मैथ्स में 98। साइंस में? 97। ओके, टोटल एग्रीगेट इनके 94% मार्क्स है। मैथ साइंस में 98 और 97 रेस्पेक्टिवली मार्क्स है। और तरंग, आगे आपका क्या प्लान है? मैं इंजीनियरिंग करूंगी, JEE/IIT का एग्जाम देके। इसके लिए मैं यहीं पे प्रिपरेशन कर रही हूँ 2 साल। अच्छा, ठीक है। तरंग का एम है इंजीनियर बनना। कौन से स्ट्रीम में इंजीनियर बनना चाहती हो, कुछ आइडिया? मैकेनिकल में। ओके, गुड। सो मैकेनिकल इंजीनियर तरंग बनना चाहती है। यूजुअली लड़कियों के लिए ये एक लेसन है। जनरली लड़कियां कंप्यूटर में जाना चाहती हैं, इलेक्ट्रिकल में जाना चाहती हैं और आईटी में जाना चाहती हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि भाई लड़कियां मैकेनिकल में जाएं सोचे, लेकिन तरंग सोच रही है कि ये मैकेनिकल में जाएगी। ये आपके स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी मैसेज है कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। अच्छा तरंग, पढ़ाई आप कैसे करती हो, आप कितने घंटे रोज पढ़ती हो, ये बताओ? पूरे दिन तो नहीं पढ़ती, लेकिन टाइम मैनेज करके पढ़ती हूँ। 3 घंटे में 1 चैप्टर करती हूँ और अगर मन नहीं होता तो नहीं करते हैं। ब्रेक्स लेती हूँ इंस्टेंट टाइम पे और चैप्टर्स के हिसाब से टाइम को मैनेज करती हूँ। चैप्टर के हिसाब से टाइम को मैनेज करती है। अभी 11th में आपकी स्टडी की कैसे चल रही है? 11th में अभी स्टार्टिंग थोड़ा हार्ड लग रहा था, पर धीरे धीरे करके आप कांस्टेंट में आया कि हाँ अब ज्यादा सिलेबस है। 10th के मुकाबले 11th बहुत हार्ड है, इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 10th में किस तरह उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक बात बच्चों को समझना चाहिए कि अगर आप 10th में हैं और 10th में आप सोचते हैं कि जितने पढ़ाई की है वैसे ही 11th में आप कर लेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 11th का सिलेबस बहुत वास्ट है, जिससे तरंग कह रही है इनको अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 3-4 महीनों में, और इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे रिजल्ट लाने हैं। अच्छा तरंग, एक बात बताओ कि सोशल मीडिया जो है, यूट्यूब और ये व्हाट्सएप, ये कितना डेंजरस है बच्चों के लिए, या यूजफुल है या यूजलेस है? पेरेंट्स को लेकर के इसमें बड़े सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा फोन पे लगा रहता है, क्या फोन पे लगे रहना हमेशा हानिकारक ही है या बच्चा कुछ यूजफुल उसका यूटिलाइज भी कर सकता है व्हाट्सएप और फेसबुक का? नहीं, अगर ढंग से यूज करोगे तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम एक्सेस में यूज कर देते हो तो बहुत ही हार्म कर रहे हो। जैसे फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम एक लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, हम किसी ऐसे पर्सनालिटी को फॉलो करें जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, वो ज्यादा यूजफुल है। व्हाट्सएप को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा यूज करें तो इसलिए वो ज्यादा यूजफुल है। व्हाट्सएप में अगर हम चैटिंग कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं तो इट इज नॉट गुड। पेरेंट्स को बच्चों के साथ इस पे सोशल मीडिया के इस पे किस तरह से पैसा रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो जैसे ही बच्चा फोन हाथ में लेता है वो उबल पड़ते हैं, उनको ट्रस्ट नहीं होता कि बच्चा मेरा अच्छा हमेशा कुछ इक्वल सर्किट काम भी कर रहा होगा। क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? एक पेरेंट्स के लिए मैसेज है तो बताओ कि क्या पेरेंट्स को कैसे, स्टूडेंट के नजरिए से बताओ कि पेरेंट्स को किस तरह से डील करना चाहिए। पेरेंट्स को नजर तो रखनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि बच्चा पूरा फ्रस्ट्रेट होके फिर वो कुछ कर ले, लेकिन इतनी नजर रखनी चाहिए कि पता रहे कि बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई में लगा रहा है या फेसबुक में चैटिंग कर रहा है। अगर वो यूजफुल काम में ध्यान दे रहा है तब तो पेरेंट्स को एकदम कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर वो गलत चीजों में काम दे रहा है तो बोलना तो चाहिए। स्टूडेंट्स भी समझेंगे कि हम किस लिए बोल रहे हैं, डांट रहे हैं सही के लिए डांट रहे हैं। बहुत बढ़िया, कि पेरेंट्स को विजिल रखना चाहिए, पैनी नजर रखनी चाहिए अपने बच्चों की एक्टिविटीज पे, लेकिन इतना भी बंदिश नहीं लगाना चाहिए जिससे बच्चा परेशान हो जाए। ठीक है, ये बहुत सुंदर मैसेज है और बहुत बढ़िया बात कही है तरंग ने, और आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अरविंद सिंह एकेडमी की तरफ से।
थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, ओके।